All right, friends, Radhe Radhe. So now today we are starting a very very important topic and the name of the topic is a budgetary control. ये मैंने आपको इंटर में भी सिखाया था बहुत डिटेल में, राइट? और अब उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन अपन करेंगे विद द केस स्टडीज एंड ऑल, राइट? एंड फर्स्ट यू फाइंड आउट व्हाट डू मीन बाई बजटरी कंट्रोल. दिस इज योर चैप्टर 10 आपका हो गया है, ओके? चैप्टर 10 में आपको बता रहा है कि व्हाट डू मीन बाई बजटरी कंट्रोल. आपका जो बजटरी कंट्रोल है वो टॉपिक में यहाँ पे आपको लूंगा, ओके? तो उसके प्रिंटेड नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ और ये स्टार्ट हो रहे पेज नंबर 10.1 से, ओके फ्रेंड्स? कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके प्रिंटेड नोट, जो थ्योरी है प्लस जो प्रैक्टिकल है, पूरा की पूरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका? चैप्टर 10 से, बजटरी कंट्रोल. नाउ मीनिंग ऑफ बजट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स, राइट? अपन क्या बोलते थे बजट का, व्हाट डू मीन बाई बजट? बजट मीन्स इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स. से यस ऑर नो फ्रेंड्स? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स. से यस ऑर नो फ्रेंड्स? से यस ऑर नो फ्रेंड्स? ऑलराइट. तो मीनिंग ऑफ बजट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स, ओके? टाइप्स ऑफ बजट्स, टाइप्स ऑफ बजट्स में आपका क्या आएगा? पहला सेल्स बजट है, नंबर 2 आपका प्रोडक्शन बजट है, नंबर 3 आपका कंजम्पशन और यूसेज बजट है, नंबर 4 आपका परचेज बजट है, वेजेस एंड लेबर बजट है, राइट? एक्सपेंस बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है और एनी अदर बजट एज पर द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट. एज पर द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट को जो भी बजट चाहिए वो अपन बना सकते हैं, राइट? अब अगर मैंने आपको बोला कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी है और वो कंपनी आपसे पूछ रही है, क्योंकि बजटरी कंट्रोल के लिए फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ए फ्लो ऑफ द क्वेश्चन. कि अगर आपको फ्लो समझ में आ गया कि ये बजट किसका, कौन सा बजट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको एकदम सिंपल और एकदम आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? नाउ सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि यू प्रिपेयर द परचेज एंड बजट, you prepare the purchase budget, okay? Now what do you mean by purchase budget? It means this is related to your purchase and quantity. Purchase quantity means aapka purchase cost, this is related to your purchase. Aur theory notes maine aapko de rakha hai, right? Purchase budget, purchase budget ka matlab kya ho gaya? Related to purchase cost. Purchase cost means your purchase quantity into rate. Now what do you mean by purchase quantity? Purchase quantity means your consumption plus your closing stock of raw material minus opening stock of रॉ मटेरियल, ओके? ये आपका क्या हो जाएगा? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इज ए परचेज. नाउ कंजम्पशन मींस योर प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट. प्रोडक्शन मींस योर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बराबर? परचेज बजट, व्हाट डू मीन बाय परचेज बजट? रिलेटेड टू परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट मीन्स परचेज क्वांटिटी इनटू रेट. व्हाट डू मीन बाय परचेज क्वांटिटी? अब फ्लो को आप समझिए जरा. सबसे पहले हम किससे बात करेंगे? सेल्स मैनेजर से. भाई कितना आप सेल करने वाले हो, बराबर? उससे पूछ ला कितना सेल करने वाले, बोला 10,000. तो हम लोग कितना प्रोड्यूस करेंगे? अगर उसने बोला कि हम लोग 10,000 सेल करने वाले, तो हम कितना प्रोड्यूस करेंगे? 10,000. फिर वो बोलता है कि नहीं, आई वॉन्टेड टू कीप 2,000 एज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट ए टाइम. मेरी फैक्ट्री में 2,000 क्या होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? 10,000 फॉर सेल के लिए, बराबर, एंड 2,000 फॉर क्लोजिंग स्टॉक के लिए, राइट? लेकिन वो बोलता है कि नहीं, 2,000 ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा
10,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000 और ये आपका हो जाएगा 10,000. 10,000 आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्शन. ओके, अब सपोज एक यूनिट को बनाने में 2 kg मटेरियल लगता है तो आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन आपका हो जाएगा 20,000. तो हम कितना खरीदेंगे, 20,000. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है नहीं सर 4,000 अपने को एट ए टाइम क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, फैक्ट्री के अंदर रखने के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए. इसका मतलब हम परचेस करेंगे 20 + 4 = 24. मान लो आपके पास 2,000 kg आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब आप परचेस क्या करोगे, आप परचेस करोगे 22 और आपका रेट है 2 rupees per kg. आपका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, ₹44,000. तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आप सेल्स मैनेजर से बात करो, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपका क्या आएगा प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल आपको क्या आएगा, ये आपका आएगा कंजम्पशन. कंजम्पशन में आप ऐड करिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको क्या आएगा परचेज. परचेज इंटू रेट आपका क्या आ जाएगा, परचेज कॉस्ट. तो ये फ्लो आपका इंपॉर्टेंट है. मैं जब भी आपको बोलूंगा क्वेश्चन को रीड करने को, आपको क्या याद रखना है, फ्लो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज ए प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग परचेज, परचेज इंटू रेट इज ए परचेज कॉस्ट. दैट्स इट. सही है सोनू, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए. ये आपका क्या हो गया, परचेज कॉस्ट, परचेज बजट. अब इसी को मैं पूरा समरी को एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आपका पूरा समरी क्लियर करता हूँ. आप जरा रेफर करिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 10.1. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10.1. ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर. ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी बनाती है. ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज इज एज अंडर. क्वार्टर्स राइट, 1, 2, 3, 4 और आपका सेल्स यूनिट्स है. क्वार्टर 1 में 30,000, क्वार्टर 2 में 37,500, क्वार्टर 3 में 41,250 और क्वार्टर 4 में 45,000. द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000 एंड द कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16,250. आपको ओपनिंग स्टॉक आपके पास फिनिश गुड्स कितना है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 16,250 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. द प्रोडक्शन पैटर्न, द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ द सेल्स ऑफ करेंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल्स फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे वो 80% आपका क्या होगा करेंट क्वार्टर सेल्स और 20% आपका क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स. ये ऐसा मैंने क्वेश्चन पकड़ा है कि अगर आप एक क्वेश्चन आप रिवाइज करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 kg एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन 5,000. ठीक है, रॉ मटेरियल का आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है 10,000 और ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 5,000 kg. ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट इज रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल. इसका मतलब अगर आपका फिनिश गुड्स है, अगर आपका फिनिश गुड्स है 1 unit तो आपको मटेरियल लगेगा 2 kg. ओके, इजी. द कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट 3 quarters इन द प्रपोर्शन एंड द प्राइसेज आर गिवन बिलो. आपको प्राइसेज और प्रपोर्शन आपको क्या दे रखा है, इट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में आप खरीदोगे 30%, सेकेंड क्वार्टर में आप खरीदोगे. सही है सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट. सो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वार्टरली राइट. और हम लोग कैसे खरीदेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में 30%, सेकेंड क्वार्टर में 50% एंड थर्ड क्वार्टर में 20% एट द रेट ऑफ 2, 3 and 4. द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज ₹20,000. यू आर रिक्वायर टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज. प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, प्राइस स्टोर्स कार्ड
of the raw material using first in first out. So yes or no friends? All right. सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है friends? Production budget. अब जरा देखो मैंने क्या बताया था आपको. What do you mean by production budget? बताइए एक बार revise करिए. Production को कैसे मिलेगा? Sales plus closing stock minus opening stock और उससे हमें क्या मिल जाएगा? Production. Sales plus closing stock minus opening stock उससे हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्शन. ओके सो दिस इज योर सबसे पहले अपन दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर वन ले लेते हैं. सॉल्यूशन नंबर वन ओके एंड दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन. स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन ओके कैसे निकलेगा प्रोडक्शन? इट मीन्स सेल्स यूनिट्स. व्हाट आर द सेल्स यूनिट्स? आप जरा देखिए गिवन है अपने को 30,000 इन क्वार्टर वन, 37,500 इन क्वार्टर टू, 41,250 क्वार्टर थ्री एंड 45,000 इज इन क्वार्टर फोर. ओके मीन्स 30,000 प्लस 37,500 प्लस 41,250 प्लस 45,000 153,750 का हम लोग का क्या होगा? सेल्स. मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट यू आस्क योर सेल्स मैनेजर. पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप सेल्स मैनेजर से पूछिए कि भैया हमारा कितना सेल होगा. उसने अपने को क्या बताया कि अपने को बताया कि सर आपका सेल होगा 30,000 इन द फर्स्ट क्वार्टर, 37,500 सेकंड क्वार्टर, 41,250 थर्ड क्वार्टर, 45,000 फोर्थ क्वार्टर, 153,750. एड योर क्लोजिंग स्टॉक. इट मीन्स एड क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? इज 16,250 लेस. व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? एंड ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इज 10,000. ये आप आ जाएगा इजे प्रोडक्शन. 153,750 minus 10,000 is 1,60,000. आपका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस इज ए फिनिश्ड गुड्स एंड दिस इज ए फिनिश्ड गुड्स. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू योर प्रोडक्शन. आपका प्रोडक्शन कितना होगा? 1,60,000 यूनिट्स. ओके अब आप आ जाइए सॉल्यूशन का फाइनल आंसर कैसे करेंगे. इट मींस दिस इज योर फाइनल आंसर. इट मींस स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट. स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट. कैसे आपको प्रोड्यूस करना है फ्रेंड्स? क्वेश्चन में दे रखा ना 80% ऑफ द करेंट क्वार्टर सेल्स. क्या दे रखा है प्रोडक्शन में? द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000 यूनिट्स and the company expect to maintain the closing stock of finished goods is 16,250 units at the end of. देखो अगर आपको सीखना है प्रॉपरली तो आपके हाथ में प्रिंट आउट होना बहुत जरूरी है. जब तक अगर आप हार्ड कॉपी लेके नहीं बैठेंगे यू cannot understand the concept. It means quarter वन, quarter टू, quarter थ्री, quarter फोर and this is a total. कैसे करेंगे? इट मींस दिस इज योर प्रोडक्शन एंड दिस इज योर
प्रोडक्शन और ये आपका हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन, बराबर। अब क्या बोल रहा है, 80% ऑफ द सेल्स फॉर द करेंट क्वार्टर, 80% ऑफ द सेल्स फॉर करेंट क्वार्टर, इट मीन्स 30,000 इंटू 80% आपका हो जाएगा, एंड 20% फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, इट मीन्स नेक्स्ट क्वार्टर सेल है 37,500 इंटू 20%, देन 80% आपका आ जाएगा, इट मीन्स 37,500 इंटू 80% एंड 41,250 इंटू 20%, देन 41,250 इंटू 80% एंड देन 45,000 इंटू 20%, देन 45,000 इंटू 80%, और ये हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज वी वॉन्टेड टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1,60,000। सही है, सुनो, टोटल हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, 1,60,000, वो हम लोगों ने नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। इसको यू कैन से दिस इज योर नोट नंबर 1। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया सेल्स, सेल्स आपको दे ही रखा है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, एड क्लोजिंग स्टॉक एंड लेस ओपनिंग स्टॉक, आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा प्रोडक्शन। नाउ प्रोडक्शन में अभी आप आ जाइए, प्रोडक्शन मीन्स क्वार्टर 1, 2, 3, 4, इट मीन्स दिस इज 30,000 इंटू 80%, 24,000 एंड 37,500 इंटू 20%, 7,500, देन 37,500 इंटू 80%, 30,000, देन 41,250 इंटू 20% इज 8,250। आपके पास मेरा प्रिंटेड सॉल्यूशन बुक अवेलेबल है, आपको जस्ट कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। बजटरी कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बजटरी कंट्रोल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक ही पार्ट है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको फ्लो एक बार समझ में आया तो आपको मजा आएगा। इट मीन्स 41,250 इंटू 80%, 33,000 एंड 45,000 इंटू 20% 9,000, देन 45,000 इंटू 80% 36,000। अब आप आ जाइए टोटल पे, इट मीन्स 24 प्लस 7,500 इज 31,500, देन 30,000 प्लस 8,250 38,250, 33,000 प्लस 9,000 इज 42, और ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स 31,500 38,250 प्लस 42,000 माइनस 1,60,000, एंड दिस कम्स टू 48,250, और 48,250 से आप माइनस कर दीजिए 36,000, आपको आ जाएगा 12,250। इट मीन्स टोटल 24 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 36 इज 1,23,000, एंड देन 7,500, 8,250, 9,000 प्लस 12,250 इज 37,000। ये आप बताइए, ये क्लियर हुआ? ये एक कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको बजटरी कंट्रोल का करा रहा हूं, जिसमें आपका कंप्लीट पूरा फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, बराबर। दिस इज योर क्वार्टर 1, दिस इज योर क्वार्टर 2, दिस इज योर क्वार्टर 3, दिस इज योर क्वार्टर 4 एंड दिस इज योर टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे करेंगे, 80% ऑफ द करेंट क्वार्टर सेल्स, 80% ऑफ करेंट क्वार्टर सेल्स एंड 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स, ओके, 80% ऑफ द करेंट क्वार्टर सेल्स, ये टोटल आ जाएगा, ये 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स
ये परसेंटेज आ जाएगा एंड टोटल आपका जो सेल होगा दैट इज 160। इट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर ये, सेकेंड क्वार्टर ये, थर्ड क्वार्टर ये एंड फोर्थ क्वार्टर ये आपका हो गया फाइनल आंसर नंबर वन। आपका फर्स्ट फाइनल आंसर वन हो गया, फाइनल आंसर वन आपका हो गया प्रोडक्शन बजट। फर्स्ट आपका हो गया प्रोडक्शन बजट, सही है सर। आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट मीन्स पहले क्वार्टर में हम लोग कितना बनाएंगे, 31,500, 38,250, 42,000 एंड 48,250 एंड टोटल सेल्स आपका हो जाएगा 1,60,000। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर प्रोडक्शन बजट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोडक्शन बजट, सही है सुनो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोडक्शन बजट, परफेक्टली क्लियर। ये आपका क्या हो गया प्रोडक्शन बजट, ओके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सेकेंड अपने से क्या पूछ रहा है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन बताओ जरा। मैंने क्या बताया था आपको, प्रोडक्शन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग इज ए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा, इज ए कंजम्पशन। अब आप आ जाइए, दिस इज योर आंसर नंबर टू। आंसर नंबर टू, व्हाट यू मीन बाय आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग कंजम्पशन बजट। इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग कंजम्पशन बजट। इट मीन्स शोइंग कंजम्पशन बजट, इट मीन्स क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर प्रोडक्शन। Into raw material per unit, ये आपका हो जाएगा consumption in K, production into raw material per unit equal to consumption in kg, production 31,500, 38,250, 42,000, 48,250 into 2 kg. 1 unit is required 2 kg, ना फ्रेंड? ये आपका आ जाएगा, इट मीन्स 31,500 into 2, 63,000 केजी देन 38,250 इंटू टू 76,500, 42,000 इंटू टू 84, 48,250 इंटू टू 96,500, सही है सो। टोटल विल बी 63,000, 76,500, 84,000, 96,500, 320,000 टोटल प्रोडक्शन आपका इज 31,500, 38,250, 42,48,250 इज 160 into 2 kg और ये आपका आ जाएगा, सही है सर। आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा इज 320,000 kg, आपका कंजम्पशन हो जाएगा 320,000 kg,
हाँ पापा जी, फ्रेंड्स थर्ड अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। नाउ व्हाट डू मीन बाय परचेज, मैंने आपको क्या बताया था, फ्लो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो को आप बराबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू परचेज, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू परचेजेस, राइट, क्या आ जाएगा, इट मीन्स परचेजेस। कैसे परचेज करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स परचेज के लिए पहले अपन नोट बना लेते हैं, दिस इज योर आंसर नंबर थ्री, आंसर नंबर थ्री, ओके, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग परचेज बजट, स्टेटमेंट शोइंग परचेज बजट। व्हाट मीन बाय परचेज, इट मीन्स कंजम्पशन प्लस योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी योर परचेज। नाउ व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन, कंजम्पशन इज 3,20,000, दिस इज योर गिवन 3,20,000, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 kg एंड ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 kg, इट मीन्स 3,20,000 प्लस 5 माइनस 10 एंड दिस कम्स टू 3,15,000 kg, ओके, सो 3,15,000 kg आपका हो गया। अब ये 315 को आप कैसे परचेज करोगे, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग क्वार्टरली परचेज बजट। कैसे क्वार्टर से हम परचेज करेंगे, परचेज बजट फॉर द ईयर, इट मीन्स क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, कितना परचेज करना है, 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000, ओके, इनटू 30, 50 एंड 20, 30%, 50% एंड 20%, इट मीन्स 315 × 30% 94,500, 315 × 50% 157,500, 315 × 20% is 63,000, और उसका रेट रहेगा पर केजी, अपने को रेट रहेगा अपना पर केजी 2 rupees, 3 rupees and 4, 94,500, 157,500, 63,000, 2 rupees, 3 rupees and 4 rupees, it means 94,500 × 2, 189,157,500 × 3, 72,500, 63,000 × 4, 252,000, it means 189,472,500, 252 is 913,500, आपका जो परचेज है वो क्या हो जाएगा, 913,500, ये आपका हो गया फ्रेंड्स
परचेज बजट क्वार्टरली भी अपन ने निकाल लिया, ये क्वार्टरली हो गया आपका, ओके, और ये आपका एनुअल हो गया। एनुअल कितना हो गया, इट मीन्स 94,500 प्लस 157,500 प्लस 63,000 इज 315, और उसका रेट रहेगा 2 रुपीज, 3 रुपीज एंड 4। सही है सुनो, अब आप आ जाइए लास्ट अपने से क्या पूछ रहा है, लास्ट अपने से पूछ रहा है प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर रॉ मटेरियल एंड बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, स्टेटमेंट शोइंग प्राइस स्टोर्स लेजर, ओके, ये आपका आ जाएगा फोर्थ पार्ट, इट मीन आंसर नंबर एंड फोर, आंसर नंबर फोर स्टेटमेंट शोइंग प्राइस स्टोर्स लेजर, स्टेटमेंट शोइंग प्राइस स्टोर्स लेजर, ओके, स्टेटमेंट शोइंग प्राइस स्टोर्स लेजर कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स दिस इज योर क्वार्टर, दिस इज योर परचेजेस, दिस इज योर इशूड एंड दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन्स परचेजेस इशूड एंड क्लोजिंग स्टॉक, क्वार्टर, ओके, क्वार्टर वन। अब क्वार्टर वन में हमने क्या खरीदा है, वी परचेज 94,500 एट द रेट ऑफ रुपीज 2, सो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट नाइन्टी फोर फाइव हंड्रेड एट द रेट ऑफ टू 189। अब हम लोग का कंजम्पशन क्या है, क्या इशू करना है, अपने को इशू करना है 63। एंड विच मेथड वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड। तो पहले अपने पास ओपनिंग स्टॉक था, व्हाट वाज द ओपनिंग स्टॉक, अपने पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 और उसका वैल्यू था 20,000 और 20,000 डिवाइडेड बाई 10 आपका क्या हो जाएगा 2 रुपीज, ओके, अपने को टोटल इशू करना है 63, 10 अपना इशू हो गया, इट मीन्स अपने पास क्या बचा 53 into 2 एंड दिस कम्स टू 1,06,000, इट मीन्स 94,500 लेस 53 इज 41,500 into 2 आपका हो जाएगा 83,000। ये आपको क्लियर हुआ था, फर्स्ट क्वार्टर का आपको एकदम प्रॉपरली क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये तो याद होगा यार, आपने सीपीटी में भी किया है, इंटर में भी, मैंने बहुत सारे इंटर में भी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ बजटरी कंट्रोल करके ना, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में आप कितना परचेज कर रहे हैं, यू आर परचेजिंग 157,500, उसका रेट है 3, 157,500 into 3 472,500, 157,500 एट द रेट ऑफ रुपीज 3, ओके, अब आपको
इशू कितना करना है, आपका कंजम्पशन क्या है, आपका कंजम्पशन है 76,500। तो पहले बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसने बोला है अपने को फोर्थ क्वेश्चन में, प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड, प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इसका मतलब हमारा क्या जाएगा, पहले हमारा जाएगा 41,500, इट मीन्स 41,500 उसका रेट रहेगा 2 into 2, 41,500 into 2 is 83,000। हमको चाहिए कितना इशू करना है अपने को, टोटल 76,500 minus 41,500 is 35,000। 35 हमको यहाँ से इशू करना पड़ेगा, into 3 is 105,000। 157,500 minus 35 is 122,500 into 3 into 3 is 367,500। अब आप आ जाइए थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में हम कितना खरीदेंगे, व्हाट इज आवर परचेज क्वांटिटी इन थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में वी आर परचेजिंग 63,000 जिसका कि रेट रहेगा ₹4, इट मींस 63,000 into 4 विल बी 252,000। 63,000 into 4 विल बी 252,000। अब हम कितना इशू करेंगे फ्रेंड्स, हमारा कंजम्पशन क्या है, हमारा कंजम्पशन है थर्ड क्वार्टर में इस 84,000। तो पूरा की पूरा यहीं से चला जाएगा, इट मीन्स 84,000 हमारा पूरा की पूरा चला जाएगा into 3, 84,000 into 3 is 252,000। ओके, बैलेंस बचेगा 122,500 minus 84,000 is 38,500 into 3, 63,000 into 4, 38,500 into 3 is 115,500, 63,000 into 4 is 252,000। सही है, अब आप आ जाइए फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ में हम लोग का परचेज नहीं है लेकिन हमको इशू करना पड़ेगा, कितना इशू करना पड़ेगा, 96,500, इट मीन्स पहले चला जाएगा 38,500 into 3, 38,500 into 3, 115,500, 38,500 into 3 हमारा चला जाएगा 115,500। हमको टोटल इशू करना है, टोटल इशू करना है अपने को, लीजिए टोटल इशू अपने को करना है 96,500, सो 96,500 minus 38,500 विल बी 58,000। ये 58,000 into 4 into 4 is 232,000 और आपके पास बैलेंस बचेगा 5,000 into 4 एंड दिस कम्स टू 20,000। सही है, सुनो वही 5,000 आपके पास दे रखा है, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है, सही है। ओके, तो ये कंप्लीट आपका सम हो गया। पहला मैंने आपको क्या बोला था, बोलो, पहला हम लोगों ने क्या निकाला, प्रोडक्शन। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस योर सेल्स, सेल्स हम लोगों ने ले लिया, सेल्स अपने को क्वार्टर वाइज दे रखा था, ऐड किया एनुअल सेल्स आ गया, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, ये प्रोडक्शन आ गया। नाउ प्रोडक्शन बजट कैसे बनाना है, 80% फॉर द करेंट क्वार्टर सेल्स, 20% फॉर द
नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स, 20% फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स, ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्शन आ गया। अब प्रोडक्शन में यू जस्ट एड, इफ यू मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्शन, ये आपका प्रोडक्शन है, क्वार्टरली आपका प्रोडक्शन है, और एक प्रोडक्शन में 2 kg आप लगाइए, आपको कंजम्पशन आ जाएगा 320, पूरे साल का 160। कंजम्पशन आपको दे रखा है एट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आपको क्या आ जाएगा, परचेज। ये परचेज अपन को कैसे करना है, ये परचेज है आपका 30% फर्स्ट क्वार्टर, 50% सेकेंड क्वार्टर, ये आपका ये इनटू रेट, ये आपका हो जाएगा एंड दिस टोटल एंड टोटल। अब इसका स्टोर स्लेजर आपको बनाना है, विच मेथड वी आर फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, इट मीन्स क्वांटिटी इंटू रेट अमाउंट, क्वांटिटी इंटू रेट अमाउंट, ओके। ये आपका इशू हो गया, ये आपका क्लोज, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बिकॉज फीफो मेथड है, तो पहले अपन क्या इशू करेंगे, पहले हम लोग क्या इशू करेंगे, पहले हम लोग इशू करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ओपनिंग स्टॉक,